हसीन और बेहद खूबसूरत, नमस्कार आदाब। अभी सात्विक वीणा से निकले जिन स्वरों को आपका जिन्होंने मन मोह लिया, उसके जनक है हमारे आज के मेहमान। अगर उनके लिए मैं ये कहूँ कि इरादों में भर दो इतनी जान के हर कामयाबी मंजूर हो जाए, हौसले हों इतने बुलंद कि जिंदगी से लफ्ज़ शिकस्त दूर हो जाए, ऐसे ही हौसलों और इरादों की मिसाल है सात्विक वीणा के जनक और एक बेहतरीन कलाकार पंडित सलिल भट्ट। वीणा के तारों को समर्पित एक घराना, विरासत की डोर थामे एक से बढ़कर एक शख्सियतें, संगीत जिनकी नजर में इबादत से कम नहीं, इसी घराने की नुमाइंदगी करता एक पुरनूर सितारा पंडित सलिल भट्ट। पंडित विश्वमोहन भट्ट की आंखों का तारा और उनके पदचिन्हों पर चलने की ललक और चाह का नतीजा है कि उन्होंने सात्विक वीणा के जरिए संगीत जगत का एक और वाद्य से परिचय कराया। बचपन से संगीत समारोह में शिरकत करना और युवावस्था तक आते आते वो जाने अनजाने में संगीत की बारीकियों से आशना हो चुके थे। यही वजह रही कि देश के साथ विदेशों में भी उनके कार्यक्रम एक से बढ़कर एक रहे। ग्लोबल इंडियन की उपाधि से सम्मानित पंडित सलिल भट्ट अपने एकल वादन और देशी विदेशी कलाकारों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुगलबंदी कर संगीत जगत में एक नया रंग लाए हैं। एक से बढ़कर एक एल्बम उनकी संगीत यात्रा में एक दुआ की मानिंद है। उनका ग्रासरूट एल्बम ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी हुआ और यही नहीं, उन्हें अपने एल्बम स्लाइड टू फ्रीडम के लिए जूनो अवार्ड मिला। उनके एक से बढ़कर एक एल्बम संगीत जगत में एक अलग ही जगह रखते हैं। अपने सफर में उन्हें एक से बढ़कर एक शख्सियतों का सानिध्य मिला। अपने इस व्यस्त जीवन में भी वो अपने परिवार के लिए समय निकाल लेते हैं। उनका बेटा सात्विक विश्व वीणा के साथ अपने दादा की छत्र छाया में संगीत की शिक्षा हासिल करने में मगन है। Thank you.
सलिल भट्ट अपनी संगीत यात्रा और अपनी ड्राइविंग हॉबी के साथ नित नई कामयाबियों के साथ आगे बढ़ने को तत्पर है। बहुत बहुत स्वागत सलिल भट्ट जी प्रोग्राम शख्सियत में आपका, और बेपनाह खुशी है। और जो हमने अभी सुना ये तो वाकई कानों में ऐसा लगा जैसे मिस्री खोल गया। ये गुरु का आशीर्वाद है और ईश्वर की कृपा है। ब्यूटीफुल। तो शुरुआत आप ही के अपने बचपन से करूंगी। 11वीं पीढ़ी की नुमाइंदगी आप करते हैं और एक ऐसे घराने से आप आते हैं जिसने बरसों बरस सिर्फ संगीत की खिदमत की। कैसे याद करना चाहेंगे अपने उन दिनों को? देखिए, ये सौभाग्य है मेरा कि मैं ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ जहाँ संगीत पीढ़ियों से, सैकड़ों वर्षों से, 350 साल से भी अधिक ये चला आ रहा है संगीत। और जो मेरे पूर्वज थे वो बहुत बड़े कवि, चाहे कविवर मंडन का मैं नाम लूँ तो बहुत बड़े बड़े कवि, बहुत बड़े बड़े कंपोजर्स, म्यूजिशंस, सिंगर्स, और उसके बाद जो मेरे गुरु, मेरे पिता की जो पीढ़ी है वहाँ से परिवार में इंस्ट्रूमेंटलिस्ट म्यूज़िक के लिए उसमें भी सभी लोग आगे आए। हाँ, आश्चर्य की बात ये ज़रूर हुई थी कि मैंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी ऑलमोस्ट ज्वाइन कर लिया था मैंने, लेकिन परंपरा, हाँ परंपरा परसू नहीं किया आपने और आप संगीत की तरफ। जी मुझे लगा कि हमारे देश में हमारी संस्कृति के दुश्मन ज़्यादा हैं बनस्पत की बॉर्डर पे। पिता के रूप में आपको गुरु मिले, जी वो कुछ बताइए, उस दौर की बात बताइए। गुरु के रूप में वो, बाकी जितने मेरे जो गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, उन सबसे तो वो बहुत ही ज़्यादा, उन्होंने बहुत ही प्यार से, मोहब्बत से, और बहुत ही उनको पुचकार के बहुत ही अच्छे से उनको सिखाया और बहुत ज़्यादा सिखाया। उनकी जब लगती थी क्लास तो उसमें मेरा नंबर जो है वो सबसे आखिर में होता था, और वहाँ मुझे लगता भी नहीं था कि मेरी आवाज़ उन तक पहुँचेगी भी या नहीं, तो इसलिए मैं बहुत ज़ोर से बजाता था। अच्छा। और सबसे ज़्यादा सख्ती अगर किसी ने झेली है तो वो मैंने ही झेली है, क्योंकि आज तक भी मैं उनकी आँखों में अपने लिए प्रशंसा का या शाबाशी का या एक अप्रिसिएशन का एक भाव देखने के लिए, अब मैं 46 बरस का हो गया हूँ। हाँ। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि वो दिन आज आएगा, कल आएगा, आज आएगा, कल आएगा, तो वो मैं आज तक उसकी इंतजार में हूँ, अभी वो दिन आया नहीं है। मेरे ख्याल से वो ये सोचते होंगे, जो मुझे समझ में आता है वो ये कि आप उनसे भी जब बेहतर बजाएं तब फिर वो शायद आपको अप्रिशिएट करें। देखिए, वो गुरु हैं, वो तो बहुत दिव्य, उनको कुछ शक्तियां प्राप्त हैं। हाँ। और मैं ऐसा समझता हूँ कि गुरु अपनी जगह, वो बहुत, उनकी ऐसी स्थान है कि हम उनके सिर्फ दर्शन करके अपने आप को और उनसे आशीर्वाद लेके अपने आप को धन्य मान सकते हैं। ये भी बात बहुत ज़रूरी मैं दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ कि खाली उन जैसी वेशभूषा बना लेने से या उन जैसे बाल रख लेने से या उन जैसे कुर्ता पहनने से या उनकी तरह बैठने से, चलने से आप विश्वमोहन भट्ट नहीं बन सकते, है ना? बिल्कुल। आप शिव कुमार शर्मा जी जैसे बाल रख लीजिए तो आप शिव कुमार शर्मा जी नहीं बन जाएंगे। अंडरस्टूड है, है ना? बिल्कुल। ये बहुत बड़े लेजेंड्स हैं। आप पंडित छन्नूलाल जी मिश्रा जैसे अगर ड्रेसअप करेंगे तो उसका मतलब ये नहीं कि आप पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी बन गए। बिल्कुल। ये लोग लेजेंड्स हैं, हमको, हम जो हैं वही बनने का प्रयास करना चाहिए। तो मैंने सारे जीवन सिर्फ यही प्रयास किया कि जो मैं हूँ, सलिल भट्ट, मैं वही बनूँ। सीखने का सिलसिला कब तक चलता है, कब से शुरू होता है और कब तक चलता है, और फिर परफॉर्मेंसेस का सिलसिला कब शुरू होता है? जी, मुझे पहला मेरा परफॉर्मेंस याद आता है वो विदेश में था, यहाँ नहीं था। और अच्छा। अब तो बहुत उस बात को, बहुत 25-30 साल होने को आए, और मैं अपने गुरुजी के साथ जो है इंग्लैंड टूर में था, तो बर्मिंघम में मैंने अपना पहला कार्यक्रम दिया था। अच्छा, मुझे बताइए, जब आप दोनों, जी, गुरु शिष्य पिता पुत्र, जी, स्टेज पर परफॉर्म कर रहे होते तो मैंने तो खुद देखा है, लेकिन मेरी ऑडियंस जरूर जानना चाहेगी, जी, जी, कि वो मंजर होता कैसा है और स्टेज पर क्या वो पूरी लिबर्टी देते हैं आपको? मुझे ऐसा लगता है, अब ये आप उनसे पूछ लीजिएगा, लेकिन अभी वो सामने नहीं है इसलिए मैं कहने की मेरी हिम्मत भी हो रही है, कि जब वो स्टेज पे बैठते हैं तो वो ये तो भूल ही जाते हैं कि मैं उनका पुत्र हूँ। ये तो खैर, ये तो कहीं बात आती भी नहीं होगी उनके दिमाग में, लेकिन वो इतनी सी भी मतलब गुंजाइश नहीं देते कि एज ए डिसाइपल मैं, मतलब कहीं से भी
वो करूं, तो वो मंच पे उनके साथ बैठना यानी जीवन की अग्नि परीक्षा से भी अगर कोई ऊपर कोई परीक्षा हुई वो होती है, तो मेरे लिए वही है। और ये अभी अभी होके आई है, अभी कुछ घंटों पहले ही अच्छा। संकट मोचन संगीत समारोह में हमारी प्रस्तुति थी दोनों की साथ, बिल्कुल, तो उसमें दोनों की साथ कहने की बात हुई। बाकी मैं तो एक दर्शक की तरह बस देखता रहता हूँ और नमस्कार करता रहता हूँ उनकी दिव्य शक्तियों को। आपके जो परफॉर्मेंसेस रहे उसमें कौन सा एक परफॉर्मेंस जो आज आप जिसका जिक्र करना चाहेंगे, जो आपके लिए एक, वैसे हर परफॉर्मेंस चैलेंजिंग रहता जी, है जी, लेकिन एक ऐसा जो आपको आज तक याद आता हो। अगर मैं आपको थोड़ा सा पहले ले जाऊं, 11 वर्ष पूर्व हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति जो हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो मुझे सेलेक्ट उन्होंने किया मेरी वेबसाइट देख के। देखिए आप कितनी अच्छी बात है, कितनी पुरानी बात है। और कलाम साहब जो हैं मुझे अपने साथ ले गए जर्मनी, अच्छा, जहाँ मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जर्मनी के पार्लियामेंट में मैं बजा के अपनी सात्विक वीणा का वादन कर सकूं मैं। मेरे ख्याल से पहले इंडियन रहे आप पार्लियामेंट में बजाने वाले, पहले म्यूजिशियन ही आप बोल सकते हैं क्योंकि वो ऐसी जगह की जर्मनी का बवेरियन जो पार्लियामेंट है जी। जो ऑडिटोरियम उनका जो बना हुआ है, जो उनका डोम शेप जो बना हुआ था जी, तो उसमें बिना माइक्रोफोन के बजाया था। सिर्फ जर्मनी नहीं बल्कि वो मुझे अपने साथ आइसलैंड भी लेके गए। अच्छा, कलाम साहब बहुत बड़े म्यूजिशियन भी थे, ये हमारे अगर दर्शक नहीं जानते हैं तो मैं ये बात उनसे शेयर करना चाहता हूँ और आपको भी बताना चाहता हूँ जी। वो वीणा वादक थे और अच्छा? वो कौन सी वीणा बजाते थे? वो सरस्वती वीणा बजाते थे। अच्छा जी, सलील जी आपने सात्विक वीणा बनाई, इसके पीछे सोच क्या रही, जरूर जानना चाहेंगे। देखिए हमारे यहाँ 100 तारों की वीणा से लेकर 1 तार तक की वीणा है। 100 तारों की वीणा को कहा जाता है षटतंत्री वीणा, तक कॉमन नाम है संतूर। अगर वीणाओं के तार आप कम करते जाएंगे तो आपको विभिन्न प्रकार की वीणा विभिन्न नामों से मिलती जाएंगी। अच्छा। अगर आप 40 तारों की वीणा का नाम लेंगे तो वह है स्वर वीणा। पाश्चात्य सभ्यता में उसको अडेप्ट किया उन्होंने, उसको सीधा 90 डिग्रीज पे रख दिया। अच्छा, तो वो हार्प हो गया, हार्प। हार्प, हाँ, देखिए बहुत पॉपुलर है, बिल्कुल। वो कहाँ से आया? हमारे यहाँ से गया। अगर आप 35 तार कर दीजिए तो हमारे गुरु द्वारा रचित विश्व वीणा, अगर आप 20 तार कर देंगे तो आपके सामने सात्विक वीणा है। अच्छा, 20 तारों वाली, 20 तारों वाली वीणा है ये। देखिए इसमें यहाँ तुम्बा लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, और यहाँ इसमें ये सारी खूंटियाँ लगी हुई हैं। बहुत ही इसका ये सुंदर इसका शीश है। किस वुड का होता है ये शीश? ये जो है ओक, हिमालयन ओक इसमें लगाई गई है। अच्छा, हमारे हिमालयों से ओक वुड का इसका बेस और साइड है, और पाइन टॉप है इसका, पाइन की लकड़ी से। तो ऐसे बहुत सारी वीणाएं हैं, करते करते आप कम करते जाइए। तो अगर हम 6 तारों की वीणा का नाम लेते हैं तो उसे कश्यप वीणा कहते हैं, ओरिजिनल। अच्छा, और आज का कॉमन नाम है गिटार। तो हमारे दर्शकों को ये जानना बहुत जरूरी है कि वीणा में से ये बहुत सारे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स निकले। अगर मैं धनुष वीणा का नाम लेता हूं तो कोई जानेगा ही नहीं धनुष वीणा क्या है, क्योंकि सब लोग वायलिन के नाम से उसको जानते हैं। अच्छा जी, मुझे ये बताइए, जैसे बहुत से लोग ये कहते हैं ना कि सात्विक वीणा और जो मोहन वीणा है, ये जो हवाईयन गिटार का संशोधित रूप है, इसको आप किस तरह से समझाना चाहेंगे? देखिए वो अगर वो यहाँ पे गिटार मैं लेके भी आया हूँ यही दिखाने के लिए। हाँ, तो अभी हम लेंगे गिटार जी को? बताइए। हाँ, ले आइएगा गिटार। ओरिजिनल नाम इसका कश्यप वीणा है, 6 तारों वाली कश्यप वीणा इसको। अच्छा, शास्त्रों में कहा गया है। अब इसमें 6 तार आप देख सकते हैं और इसकी शेप डिजाइन आप सब देख सकते हैं, ये गिटार है। इसमें शास्त्रीय संगीत नहीं बजता है, ये पाश्चात्य वाद्य के लिए, ये कॉर्ड्स बजाने के लिए, जो कॉमन लैंग्वेज में हम स्पैनिश गिटार कह देते हैं या हवाईयन गिटार कह देते हैं। तो हवाई यानी हवाई द्वीप समूह है। हाँ, हवाई आइलैंड्स हैं जी। तो उनके लिए ये मैं जानकारी दे रहा हूँ कि ये वीणा ओरिजिनल है, इसमें 20 तार लगे हुए हैं। इसकी शेप देखिए आप और इसकी शेप देखिए, कंपेरिजन कर लीजिए। तो ये दो विभिन्न वाद्य हैं, ये दो बिल्कुल अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। स्लाइड टू फ्रीडम जी, जिसमें आप हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के साथ साथ पाश्चात्य संगीत को भी जोड़ते हैं जी, जी। वो प्रयोग कैसे होता है और खासतौर से उसके बाद किस तरह की प्रतिक्रियाएं आपको मिली जी? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से लोग फ्यूजन को भी नहीं पसंद करते हैं जी। जी, मैं जानता हूँ, वो ऐसे कुछ कलाकार हैं हमारे यहाँ आज तक भी, आज के इस युग, आज के इस दौर में भी हमारे यहाँ कुछ ऐसे कलाकार हैं कि देखिए आज दो दो साल तीन तीन साल के जो बच्चे हैं वो मोबाइल पे गूगल से चीज़ें सर्च करते हैं। ज़माना कहाँ बढ़ गया, लेकिन कई कुछ ऑर्थोडॉक्स, कुछ बहुत ही ऐसे रूढ़िवादी हमारे संगीत में ऐसे कुछ कलाकार अभी तक हैं विद्यमान। मैं नाम लेके कोई कंट्रोवर्सी मुझे करने का कोई शौक नहीं है क्योंकि मेरे पास समय नहीं है इतना। पहली बात तो फ्यूजन शब्द ही गलत है। हमारे हिंदी में जुगलबंदी नाम का एक बहुत ही सुंदर
अति सुंदर शब्द है, जुगलबंदी या त्रिगलबंदी है ना, उसको इंग्लिश में कहते हैं ड्यूएट या ट्रायो। ब्लूज है, ब्लू ग्रास है, गॉस्पेल है, जैज है, नियो जैज है, फंक है, ये सारे योनर्स हैं वहां के बाहर के। तो मैंने ब्लूज के साथ कंबाइन किया और इसकी शुरुआत मुझसे नहीं हुई, मेरे दादा गुरु पंडित रविशंकर जी द्वारा इस चीज को शुरुआत किया गया। सलील जी, आपके कुछ अपने हैं जिन्होंने आज तक के आपके सफर को देखा है जी, उन्होंने अपनी राय दी है, मैं चाहूंगी आप उन्हें देखें और फिर अपनी राय से हमें जरूर नवाजें, आइए देखते हैं। आज से करीब 50 साल पहले मेरी एक परिकल्पना थी कि मैं अपना खुद का एक साज बनाऊं और उसका नाम फिर मोहन वीणा पड़ा, जिसमें कुल 20 तार और एक तुंबा लगाया। उससे प्रेरणा पाके मेरे पुत्र सलील ने अपना खुद सोचा, क्योंकि मेरे जो मोहन वीणा है उसमें एक बीच में जॉइंट है, तो सलील ने जो डिज़ाइन किया उसमें जॉइंट नहीं है, एक ही पीस जो है पूरी लकड़ी का, तो उसमें क्रैक आने की संभावना नहीं रहती है। तो इस तरह से एक नया साज दिया, तो उसका नाम उसने सात्विक वीणा रखा और वो सात्विक वीणा लेके पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं और अच्छा परफॉर्मेंस उनका होता है जहाँ तक मुझे रिपोर्ट मिलती है। तो जितने भी सलील को अभी तक अवार्ड्स मिले या जितना भी उसको अप्रिसिएशन मिला, उससे मुझे खुशी होती है और मैं उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। एक बहुत खुशी और बहुत प्रिविलेज की बात है कि सात्विक वीणा जो है वो मेरे नाम पे बनी है। तो शुरुआत से जब भी कोई अनाउंसमेंट में, किसी न्यूज़पेपर के आर्टिकल में या किसी न्यूज़ चैनल के रिपोर्टिंग में, हर जगह मुझे पापा के नाम के साथ अपना नाम सुनने को मिल जाता है, तो उसकी एक अपनी अलग खुशी होती है। म्यूज़िक सुनने में जो मज़ा आता है, दैट इज़ वेरी रेयर, सो इन अ वे इट्स अ वेरी गुड मोमेंट टू एक्सपीरियंस। क्या कहना चाहेंगे? जो भी आज पोजीशन हासिल करी है दुनिया में, जहां मैं 40-42 देश गया हूं, तो ये गुरु कृपा के अलावा और ये कैसे भी संभव नहीं है। सलील जी, मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि जब आपने सात्विक वीणा की प्रस्तुति विदेशों में दी, तो वहां पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं आपको मिली, और मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जिन लोगों के साथ आपने वहां काम किया जी, वो काम करने का अंदाज कैसा था? गोइंग बैक कि मेरे दादा गुरु पंडित रविशंकर जी, उन्होंने जॉर्ज हैरिसन बीटल्स के साथ कंबाइन किया था। हाँ। मेरे गुरु पंडित विश्वमोहन भट्ट जी, राय कूडर के साथ जो उनका जो एल्बम था मीटिंग बाय द रिवर, जिसे ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। मेरे घर में जॉर्ज हैरिसन और ऐसे ऐसे बड़े शख्सियतों का आना, विदेशी संगीतज्ञों का आना, जेरी डगलस 10 टाइम ग्रैमी अवार्ड विनर, वो हमारे कमरे में बैठ के अपने ये सब वीणाओं से और गिटारों के साथ हमारे वो चल रही हैं जुगलबंदियाँ घर में बैठे हुए, तो ऐसा माहौल देखने को मिला। पंडित रविशंकर जो हमारे दादा गुरु हैं मेरे, वो हमारे घर अनेकों बार उनका उनके शुभ कदम हमारे घर में पड़े। कुछ यादगार वाकई अगर आप शेयर करना चाहें किससे? करीब 35-36 साल पूर्व वो आए थे हमारे घर पे, तब उन्होंने हर जो घर के जितने भी बच्चे हैं सबको उन्होंने इकट्ठा किया, उन्होंने कहा कुछ भी जो भी है कुछ भी आप सुनाइए, चाहे एक एक दो दो लाइन सुनाइए। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब आई वॉज वेरी एम्बेरस्ड कि भाई मैं कुछ आता नहीं बजाना तो क्या बजाऊँगा, 10-12 साल की उम्र में क्या आप कितना सीन से करें। तो मुझे अभी तक भी ध्यान है कि मैंने उनके लिए दो या चार लाइन मैंने बजाई थी, तो उन्होंने बहुत मुझे शाबाशी दी थी। अच्छा। तो वो मुझे एनकरेजमेंट, वो आज तक भी मैं भूलता नहीं उस बात। कुछ और लोग आपके अपने हैं आपकी जिंदगी में जी, हमने उन्हें अपने कैमरे में कैद किया है, आइए दिखाते हैं आपको उनका क्या कहना है, आइए देखते हैं। सलील भट्ट जी बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं, उनकी जब भी मैं सात्विक वीणा का परफॉर्मेंस सुनती हूँ एकदम मंत्रमुग्ध कर देते हैं, और उसके साथ ही साथ बहुत बेहतरीन इंसान भी है, इतने मददगार और मिलनसार, बहुत खुशनुमा है। वो हुनर जो पिताजी में है वो बेटे में है, और चारों तरफ हमारी शास्त्रीय संगीत की जो पहचान है और पद्धति है वो पूरे विश्व में उन लोग दोनों फैला रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। मैं कहूँगी कि सलील और ऊपर जाए और वीणा की सेवा करते रहे, शास्त्रीय संगीत की सेवा करते और खूब नाम कमाएं। सलील भट्ट, जिनको मैं सलील भाई बहुत प्यार से हम लोग बुलाते हैं, उनके साथ मैं पिछले करीब 10 सालों से मैं बजा रहा हूं, और उनके पिता ग्रैमी अवार्ड विजेता पंडित विश्वमोहन जी के साथ मैं पिछले करीब 20 साल से मैं तबला संगत कर रहा हूं। अभी सलील भाई के साथ मैंने शुरू किया था संगत जब 2004 में, मुझे लगभग 12 साल हो गए, तो उनका भी जो अंदाज़ है बजाने का, वो पिताजी
के अंदाज से मिलता जुलता होते हुए भी उन्होंने अपना अलग से कुछ बहुत सारी बातें इसमें करी हैं, और मैं उनके म्यूज़िकल उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामना मैं उनको देता हूँ, और मैं मुझे उनके साथ बजाना बहुत अच्छा लगता है। आपको याद होगा सलील भाई, हमारी मुलाकात लगभग 15-16 वर्ष पूर्व हुई थी लखनऊ में, लखनऊ महोत्सव के दौरान, जहाँ आप अपने पिता पंडित विश्वमोहन भट्ट जी के साथ और हम अपने पिता पंडित प्रेम कुमार मलिक जी के साथ कार्यक्रम में भाग लेने पहुँचे थे। दिन का कार्यक्रम था आपका और राग मधुवंती आपने बजाया था, ये भी मुझे याद है। इतना खूबसूरत बजाया आपने, इतना ज़ोरदार बजाया, विश्वास मानिए उस समय की याद अगर मुझे आती है तो मुझे ध्यान आता है कि मैं आँख बंद करता था तो ये पहचानना बड़ा ही मुश्किल हो जाता था कि इस समय कौन बजा रहा है, पिताजी बजा रहे हैं या आप। और ये मैं कह सकता हूँ बड़े दावे के साथ कि वर्तमान में तंत्रवाद्य की अगर बात करें तो आपका कोई जवाब नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? अपने लोगों से मिली प्रशंसा या अपने लोगों से मिले दो अच्छे शब्द भी कोई बहुत बड़े अवार्ड के बराबर है मेरे लिए। आपने विदेशों में किन खास म्यूजिशियंस का आप जिक्र करना चाहेंगे, संगीत से जुड़े हुए लोगों का जिक्र करना चाहेंगे जिनके साथ आपने एक अद्भुत काम किया जो आपको लगा कि हाँ ये समथिंग वेरी डिफरेंट? जी, मैं पिछले 12 वर्षों से जर्मनी के बहुत मशहूर गिटार प्लेयर हैं मथियास मुलर, उनका नाम है, उनके साथ मेरा ये कोलैबोरेशन चल रहा है, और वो गिटार बजाते हैं, दो तरह के गिटार बजाते हैं, वो जैज़ बजाते हैं, नियो जैज़ बजाते हैं और वर्ल्ड म्यूज़िक के और बहुत सारे फॉर्मेट्स बजाते हैं। उनके साथ मेरा जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत जोग जैज़ उसका नाम है। अच्छा। वो हम दोनों का कॉम्बिनेशन 12 वर्ष से चल रहा है। उनके साथ मैंने कम से कम 100 से अधिक कार्यक्रम मैंने दिए पूरे दुनिया भर में और खासतौर से हमारे देश में। कनाडा का जैसे मैंने आपको बताया था, तो कनाडा में ब्लूज के बहुत बड़े कलाकार हैं डग कॉक्स, उनके साथ जो मेरे स्लाइड टू फ्रीडम पार्ट 1, 2 और 3, तो उसमें पार्ट 2 जो था उसे कनेडियन ग्रैमी का नॉमिनेशन मिला था। अच्छा। और पंडित राम कुमार मिश्रा जी ने उसमें मेरे साथ तबला बजाया है, और जर्मनी के पार्लियामेंट में भी राम कुमार मिश्रा जी मेरे साथ थे। अच्छा। इस हमारे स्लाइड टू फ्रीडम पार्ट 2 को 3 नॉमिनेशंस मिले थे, एक तो कनेडियन फोक म्यूजिक अवार्ड्स के लिए, एक ग्रास रूट्स ग्रैमी के लिए और एक कनेडियन ग्रैमी के लिए। कनेडियन ग्रैमी को जूनो अवार्ड कहा जाता है। अच्छा। तो जब मुझे आज के 6 साल पहले 2010 में जब मुझे नॉमिनेशंस मिले थे, तब लोगों को यहाँ ये पता नहीं था जूनो अवार्ड क्या होता है। क्या है? तो फिर उनको यहाँ बताया कि ये कनेडियन ग्रैमी होता है, और ग्रास रूट्स ग्रैमी भी पता नहीं था, ये अमेरिकन फोक म्यूजिक अवार्ड है। ओके। तो 2010 में AR रहमान को भी इसी के लिए, स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए, उनको भी नॉमिनेशन मिला था। बिल्कुल बिल्कुल। जो वीणा है ये एक मुश्किल वाद्य माना जाता है। जी जी जी। और किस तरह से आपको लगता है कि युवाओं को इस तरफ आकर्षित किया जा सकता है, क्या रास्ता निकले? स्कूल में, हर एक प्रत्येक स्कूल में, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, म्यूजिक एज अ सब्जेक्ट हमको किंडरगार्टन से शुरू करना है, क्लास 1 में भी। जिस तरह लैंग्वेज है, हम हैं हमारे देश में सबसे ज़्यादा लैंग्वेज इंग्लिश को बोला जाता है, देखिए कैसे विडंबना है। और ये जो हमारी सरकारें हैं इनसे भी मेरा एक ये अनुरोध है कि अगर वो जानवरों पर भी बहुत बड़ी बड़ी पॉलिसीज बनाते हैं, शेर चीतों और इनको बचाने के लिए भी बहुत बड़ी बड़ी पॉलिसीज करते हैं, बड़े बड़े उनके कार्यक्रम होते हैं, सेव टाइगर सेव लायन, मेरा ये कहना है कि सेव आर म्यूजिक एंड कल्चर एंड सेव म्यूजिशियंस, पहले संगीत के लिए और सभ्यता और संस्कृति के लिए हमको काम करना है। और मैं इस बात को भी बहुत गर्व के साथ कहूंगा कि स्पिक मैके संस्था जो है जी, जो स्टूडेंट्स के लिए स्कूल में जाके हम कलाकारों को ले जाती है स्कूल में, और मैं मानता हूं कि जितना बड़ा काम डॉक्टर किरण सेठ, जिनका कार्यक्रम अभी आप लोगों ने किया यहाँ राज्यसभा टीवी में, डॉक्टर किरण सेठ जी पद्मश्री, तो उन्होंने जो एक सोचा है वो बहुत अद्भुत है, वो अपने आप में अद्भुत है। हैट्स ऑफ टू दैट विजनरी, नो डाउट। और स्कूलों तक, कॉलेजों तक, इंस्टीट्यूट्स तक ले जाने में सबसे बड़ा हाथ स्पिक मैके का है। खामोशी से उन्होंने ये खूबसूरत काम किया बिना किसी शोर शराबे के। जी, मैं समझता हूँ ये बहुत महान कार्य है। बहुत। सलील जी, आपका बेटा भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, किस तरह से और कितनी संभावनाएं आप उसमें देखते हैं, एक पिता के रूप में भी और गुरु तो है ही आप? जी जी। देखिए, मैं उसका गुरु नहीं हूँ, क्योंकि जब वो 3 साल का था, आज वो 19 साल का है, जब वो 3 वर्ष का था, सात्विक, उसी के नाम पे ये वीणा के सात्विक शिव का पर्यायवाची शब्द है, महाशिवरात्रि के दिन उसका जन्म हुआ था, और मेरी पुत्री का नाम सत्कृति है, वो भी शिव के नाम पे है। तो इन दोनों के जो किस्मत से जो मेरा जो सितारा जो चमका है, तो मुझे खुद इस बात का विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये चमत्कार है। तो सात्विक जो है वो 3 साल की उम्र में, उनको 48 रागों का ज्ञान था, लिम्का बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम है। अच्छा। जब वो 3 साल के थे,
तो 3 साल की उम्र में 48 लाख, तो 48 लाख तो उस समय मुझे भी नहीं आते थे, तो मैंने मेरे गुरु को समर्पित किया। मैंने कहा ये मुझसे नहीं संभाले जा रहे हैं। एक दिन उन्होंने मुझसे ऐसा राग पूछ लिया जिसके बारे में मुझे ABCD भी नहीं आती थी, तो मैं सीधे घबरा के अपने गुरु जी के पास भागा और वो खूब हंसे मेरे ऊपर, तो उनको बड़ा आनंद आया, मेरे लिए तो सजा हो गई, उनका मजा हो गया। तो मैं तुरंत भागा, मैंने कहा साहब इसने तो मेरे से ये राग मालगुंजी पूछ लिया है, तो उसका मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं है और मैं तो चक्रव्यूह में फंस गया हूँ, अब मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, तो अब आप मुझे बचा लीजिए और आप इनको संभाल लीजिए मेरे पुत्र को। और शेर के आगे कूद के उसकी फोटोग्राफी करी है अभी उन्होंने, उनको बिल्कुल डर, उनके उसमें DNA में ही डर नहीं आया है। मैं समझता हूँ मेरे दादाजी जो है म्यूजिशियन के साथ साथ बहुत बड़े रेसलर भी थे और म्यूजिशियन भी थे, तो वो फैमिली में एक गुण उनमें आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलते चलते आपकी पसंद का एक गीत मैं जरूर जानना चाहूंगी जो आपको बेहद पसंद रहा हो। वैसे तो बहुत सारे मुझे सॉन्ग्स पसंद हैं और अभी एकदम से आप कहेंगे तो मुझे याद भी नहीं आएगा, लेकिन इस समय अगर आप प्रेजेंट उसकी बात करें तो अरिजीत सिंह के मुझे सॉन्ग्स बहुत ही पसंद हैं। और मुस्कुराने की वजह तुम हो, अरे वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जी वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं चाहूँगा ज़रूर दर्शक उसका आनंद उठाएं। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे, ओरे लम्हे तू कहीं मत जा, हो सके तो उम्र भर थम जा, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे सलील जी, आप आज शख्सियत में तशरीफ लाए, आपका बेहद शुक्रिया। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो शख्सियत में आज फिलहाल इतना ही, ऐसे ही खूबसूरत सितारों का सिलसिला शख्सियत में जारी रहेगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार, आदाब।